शनिवार को महू में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। जिला न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में लंबित अधिकरण का निराकरण किया जाना है, जिसके चलते न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत हेतु कुल 4 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसमें न्यायालय में लंबित सामान्य प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, पराक्रमी अधिनियम की धारा 138 के मामले, बैंक रिकवरी संबंधित मामले सहित कई मामलों में प्रकरण रखे गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में और मध्य प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में इसके अध्यक्ष हमारे जिला न्यायाधीश श्री एस के शर्मा साहब हैं, और ये पूरे साल का एक कैलेंडर हम लोगों का इशू किया गया है। पूरे वर्ष में कुल 5 लोक अदालतों का आयोजन किया जाना है हर 2 माह के अंतराल पर। ये इस वर्ष का पहला लोक अदालत है। इसमें तहसील स्तर पर कुल 4 खंडपीठ का गठन किया गया है। इसमें एक खंडपीठ में विकास सिंह मिश्र प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की खंडपीठ है, दूसरी श्रीमती सोनल पटेल, तीसरी श्रीमती रश्मि मिश्रा मैडम की और चौथा श्री नदीम खान साहब की। इसमें कुल प्रीलिटिगेशन के मामले और चेक बाउंस से संबंधित मामले और आपराधिक मामले जो कंपाउंडेबल हैं, जिनका आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया जा सकता है, ऐसे सभी मामलों में चिन्हित किया गया है। चिन्हित करने के बाद नोटिस जारी की गई है और प्रचार प्रसार की समुचित व्यवस्था कराई गई है और पक्षों को उपस्थित होने के बाद उनको समझाइश भी दी जाती है, मेडिएशन की व्यवस्था भी कराई गई है। JSR टाइम्स के लिए महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।